बीच आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती क्या कुछ कह रही हैं वो आपको सुनवा। उपेक्षा करती है और उनके साथ भेदभाव आदि का बर्ताव करती है, और ये सब हमें केंद्र सरकार के नए बने नागरिकता कानून में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इस नए बने कानून में, इस नए बने नागरिकता कानून में, क्योंकि इस नए बने नागरिकता कानून में मुस्लिम समाज की पूरे तौर से, खासकर मुस्लिम समाज की पूरे तौर से उपेक्षा की गई है, जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है, जिसकी खास वजह से ही अर्थात इसे पूरे तौर से विभाजनकारी व असंवैधानिक मानकर ही फिर हमारी पार्टी ने भी इसके हमारी पार्टी ने भी इनके इस बिल के विरोध में अपना वोट दिया है। लेकिन केंद्र सरकार के इस कदम से हमें ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार, जो आम चर्चा है लोगों में, मैं उनकी धारणा आपको बता रही हूँ, लेकिन केंद्र सरकार के इस कदम से तो जो लोगों की आम धारणा है उसके हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार पाकिस्तान में वहाँ हिंदुओं के साथ की गई जुल्म जाति का, जो बिल्कुल भी उचित नहीं था, तो उसका बदला अब ये सरकार यहाँ अपने भारत देश के मुसलमानों से लेना चाहती है, जो कतई भी न्याय संगत नहीं है तथा ये एक प्रकार से मानवता के विरुद्ध भी है। जबकि यहाँ अपने देश के मुसलमानों ने पाकिस्तान देश के मुसलमानों की तरह हिंदुओं का शोषण नहीं किया है, और यहाँ ये लोग आपस में मिलकर रहते हैं हिंदू मुस्लिम, जिसका सबसे बड़ा सबूत खुद इनकी पार्टी में भी है, बीजेपी पार्टी में भी है, अर्थात इनकी पार्टी में कई ऐसे वरिष्ठ मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने यह हिंदू लड़की के साथ शादी की है और आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। इसलिए इनको ये बदला, यानी कि केंद्र सरकार को ये बदला यह अपने देश के मुसलमानों से नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुसलमानों से ही लेना चाहिए। और इस मामले में फिर हमारी पार्टी भी, और यदि ऐसा करती है बीजेपी व इनकी सरकार, तो इस मामले में फिर हमारी पार्टी भी इनका पूरा पूरा साथ देगी। लेकिन इनका इसकी आड़ में अपना कुछ और स्वार्थ सिद्ध करना, ये अति निंदनीय, अति शर्मनाक व अति दुर्भाग्यपूर्ण भी होगा। अर्थात इस कानून की आड़ में एक विशेष समुदाय के लोगों के साथ ये सब अन्याय करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि अब ये सरकार इसका विरोध किए जाने वाले लोगों पर भी, संबंधित समुदाय का जो पुलिस के जरिए, अब जो पुलिस के जरिए इनका उत्पीड़न करवा रही है, तो इसने अब यहाँ सबको चिंतित करके रख दिया है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के बाद अब खासकर दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के ऊपर कैंपस में घुसकर केंद्र सरकार की पुलिस द्वारा की गई जुल्म जाति का हर तरफ काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है, जिसे अति गंभीरता से लेते हुए इसका मान्य सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। हालांकि इस नए कानून को मान्य सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है, और हमें ये काफ़ी उम्मीद भी है कि इस मामले में मान्य सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान की गरिमा को किसी भी कीमत पर गिरने नहीं देगी। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इस कानून को लेकर जो पूरे देश भर में जबरदस्त हिंसक घटनाएं हो रही हैं,
और अब तो शिक्षण संस्थान भी पूरे देश के इसकी चपेट में आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आज हमारी पार्टी के संसदीय दल ने माननीय राष्ट्रपति जी से भी मिलने का समय मांगा हुआ है। इसके साथ ही आज यहाँ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी हमारी पार्टी महिला उत्पीड़न व खराब कानून व्यवस्था के साथ साथ इस कानून के विरोध में भी अपनी खुलकर आवाज उठाएगी। और अब अंत में मैं केंद्र सरकार से भी ये मांग करती हूँ कि वे इस विभाजनकारी व असंवैधानिक कानून को वापस ले लें तो ये देश व संविधान के हित में सही होगा, वरना फिर इसके आगे चलकर काफ़ी दुष्परिणाम भी इनके सामने आ सकते हैं और हो सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव में इनकी भी हालत कहीं 1977 की तरह कांग्रेस पार्टी वाली ही ना हो जाए, अर्थात इनको कांग्रेस की रही हुकूमत की तरह या इमरजेंसी जैसे हालात पैदा नहीं करने चाहिए। ऐसी मेरी केंद्र की सरकार को सलाह भी है। धन्यवाद। तो नए कानून में धर्म के आधार पर भेदभाव, नया कानून विभाजनकारी और असंवैधानिक। तो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी बीच जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे विभाजनकारी असंवैधानिक बताया है, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताया है, तो नए कानून में मुस्लिम समाज की उपेक्षा हो रही है। तो मुस्लिम समाज भी इस कानून को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताकर विरोध कर रहा है। उनका ये कहना है कि इस विधेयक के जरिए मुसलमानों के आने वाले वक्त में एनआरसी प्रक्रिया के कारण दिक्कत खड़ी हो सकती है। इसलिए सीए के खिलाफ मचे बवाल को कहीं ना कहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने चिंता जाहिर करते हुए इसे विभाजनकारी असंवैधानिक बताया है। नए कानून में मुस्लिम समाज की उपेक्षा हो रही है। तो ये तमाम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से। तो नए कानून में मुस्लिम समाज की उपेक्षा हुई है, धर्म के आधार पर भेदभाव जो है वो किया गया, तो मुस्लिम समुदाय के साथ अन्याय ठीक नहीं। तो बीएसपी संसदीय दल ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। नए कानून में धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो साथ ही यहां पर चेतावनी देते हुए भी बसपा सुप्रीमो मायावती नजर आई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो कांग्रेस का हश्र हुआ, कहीं ऐसा हश्र इस कानून के चलते आपका ना हो जाए।